गाइस यहाँ हमने एसटीडी वीडियो की शूट करेंगे, ठीक है। सो गाइस लोकेशन आप देख सकते हो भाई, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। सो यहाँ मैं अपने एसटीडी वीडियो शूट करूँगा, मतलब मैं कैसे करता हूँ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। देन मैं कैसे अपने कैमरा एंगल रखता हूँ, प्लस कैसे शूट करता हूँ, सब कुछ बताऊँगा। सो चलो गाइस करते हैं एसटीडी वीडियो की शूटिंग, लेट्स गो। सो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, सो हमें स्लो मोशन मोड के अंदर चला जाना है, ठीक है। सो यहाँ स्लो मोशन मोड के अंदर जाने के बाद गाइस आपको अपने वीडियो की जो फ्रेम है उसको कैसे रखना है, ठीक है। सो बस कुछ इस तरह रखनी है, ठीक है, इस तरह कुछ आपको अपने वीडियो की फ्रेम रखनी है, ठीक है। चलो भाई कुमार चला जा, ठीक है, कुछ एक्टिंग कर लेना, ठीक है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, आप देखो मैं किस तरह शूट करता हूँ, ठीक है। आपका कैरेक्टर है वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए और जो ऊपर है मोस्टली स्काई दिखाना चाहिए, ठीक है, जिससे आप अपनी वीडियो के अंदर स्काई भी लगा सकते हो। तो चलो गाइस मैं वीडियो को शूट करता हूँ, कैसे शूट करता हूँ देखना, ठीक है। सो गाइस मतलब आप इस तरह आप देख सकते हो सनसेट का भी लुक है, ठीक है। सो वीडियो बहुत ही सही आने वाली है, ठीक है। सो गाइस यहाँ मैंने वीडियो बहुत दो तीन शूट कर लिया, ठीक है। ये एडिट करके मैं आपको दिखा दूंगा मैंने कैसे एडिट की, ठीक है। सो गाइस यहाँ इस तरह आप अपनी वीडियो की शूट कर सकते हो, ठीक है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। रुको जरा, सबर करो। सो गाइस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में टिप्स एंड ट्रिक्स बताई वो आप यूज़ कर सकते हो अपने एस्टेटिक वीडियो को शूट करने के, ओके। अगर आपको गाइस डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए एस्टेटिक शूट पर तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं लेके आऊँगा, ओके। सो हमने जो ये वीडियो शूट की थी, चलो इसको हम एडिट करते हैं वीएन एप्लीकेशन के अंदर। सो चलो गाइस चलते हैं वीएन एप्लीकेशन के अंदर, ओके गाइस। सो यहाँ मैंने अपनी वीडियो को वीएन एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लिया। सो सबसे पहले अपना स्टेप क्या होगा गाइस, सो हम ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड करेंगे सबसे पहले। सो यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन मटेरियल के अंदर चलेंगे और यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड कर देंगे, ओके गाइस। सो ये हो जाने के बाद गाइस आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सो आपको म्यूज़िक को ऐड करना है। अब म्यूज़िक गाइस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया करता हूँ, सो आप ज्वाइन कर लेना, और आप इंस्टाग्राम का भी यूज़ कर सकते हो, इंस्टा पर से डाउनलोड कर सकते, उसका यूज़ कर सकते हो, ओके। सो म्यूज़िक के अंदर चलना है और इस वाले म्यूज़िक को मैं ऐड कर लेता हूँ, ओके। अब म्यूज़िक ऐड होने के बाद गाइस आपको अपना म्यूज़िक सुनना है और देखना है कहाँ तक बीट पड़ी है, ठीक है, मतलब अपना वीडियो सेकंड वाला वीडियो कहाँ से स्टार्ट करना है और जो बैकग्राउंड है उसको ड्यूरेशन हमें कितनी रखनी है, ठीक है। सो चलो गाइस देख लेते हैं हम, ओके गाइस। सो जो ये सॉन्ग है उसकी बीट पड़ी है 12 सेकंड है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, ये ब्लैक बैकग्राउंड की ड्यूरेशन 12 सेकंड कर देंगे, ओके गाइस। सो ये परफेक्ट है, ओके। अब ये हो जाने के बाद गाइस हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। सो टेक्स्ट ऐड करने के लिए गाइस आपको यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करना है, देन टेक्स्ट के अंदर चलना है और यहाँ स्टैंडर्ड मोड ही चूज करना है आपको, देन उस पर क्लिक करना है और जो आपका लिरिक्स है उसको ऐड कर देना है, ठीक है। ओके सो टेक्स्ट ऐड हो जाने के बाद आपको यहाँ फॉन्ट पर मिल जाता है बहुत सारे, सो आप यूज कर सकते हो गाइस, ओके। देन यहाँ से आप उसकी साइज कम या बढ़ा सकते हो, ओके। देन यहाँ आपको बहुत सारे कलर भी मिल जाए तो आप यूज कर सकते हो, देन यहाँ हम डन कर लेंगे। और यहाँ गाइस आपको मोशन का यूज करना है अपने टेक्स्ट को एनिमेशन देने के लिए, ठीक है। सो फेड का यूज़ कर सकते हो, देन स्केल का यूज़ कर सकते हो, ओके। सो मैं फेड का यूज़ करूँगा। सो गाइस चलो मैं बारी बारी सब टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सो आप इसी मेथड से अपने वीडियो के ब्लैक बैकग्राउंड या किसी भी बैकग्राउंड के अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, ओके गाइस। सो चलो मैं फटाफट कर देता हूँ, ओके गाइस। सो यहाँ मैंने अपनी पूरी वीडियो के अंदर ये टेक्स्ट ऐड कर दिया, ओके। सो ये टेक्स्ट वो ऐड हो जाने के बाद गाइस हमें क्या करना है, सो जो आपको ये प्लस बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी एक एनिमेशन दे देना है, ठीक है, दोनों वीडियो के बीच में, ओके। सो हम ये एनिमेशन का यूज़ करेंगे जूम इन का, देन यहाँ गाइस अब हम अपने वीडियो के अंदर स्काई ऐड करने वाले हैं। सो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, देन वीडियो के अंदर चलना है और यहाँ से गाइस हम स्काई की फोटो ऐड करेंगे, ठीक है, वीडियो नहीं ऐड करनी इस वाली वीडियो के अंदर, ऐसा नहीं गाइस। अब इसी तरह अपने वीडियो के अंदर स्काई भी लगा सकते हो। अब गाइस एक बात आप यहाँ देख सकते हो कि जो ये अपनी सेकंड वाली वीडियो है, जो मेरी वीडियो है, उसकी ड्यूरेशन काफ़ी बड़ी है, लंबी है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्लीट दूंगा और इस वाले पार्ट को डिलीट कर दूंगा, ओके गाइस। सो डन है, अब चलो गाइस स्काई को परफेक्टली सेट करते हैं।
सो ओके, देन मास्क के अंदर चलना है, लीनियर पर क्लिक करना है, एक बार और क्लिक करना है और इस एरो को खींच देना है। ओके सो गाइस, इस तरह आप अपनी वीडियो के अंदर कोई भी स्काई ऐड कर सकते हो। ओके गाइस, सो यहाँ अपना पूरा वीडियो का एडिट हो चुका है। अब यहाँ गाइस अपनी वीडियो के अंदर कलर ग्रेडिंग बाकी है। ओके सो ये आप फिल्टर प्रीक्वेल ऐप का यूज़ करके लगा सकते हो। यहाँ गाइस आप VN एप्लीकेशन के अंदर ही अपनी वीडियो को कलर ग्रेड कर सकते हो। सो चलो मैं आपको VN के अंदर ही बता देता हूँ। सो फिल्टर के अंदर चलेंगे, आपको यहाँ बहुत सारे फिल्टर मिल जाएगा गाइस, ब्लैक देन बहुत सारे। ओके सो गाइस, मैं यहाँ क्या करूँगा, सो मैन्युअल लाइटिंग एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, या ये आईफोन वाला फिल्टर अप्लाई कर देते हैं। ओके सो ये भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर से डाउनलोड कर सकते हो ये वाला फिल्टर। ओके गाइस, सो यहाँ अपनी पूरी वीडियो फाइनल एडिट हो चुकी है। और जो है गाइस सेकंड वाली वीडियो, उसके अंदर चलो एक एफएक्स ऐड कर देते हैं। ओके क्योंकि यहाँ गाइस एक बीट पड़ी है, सो ये एफएक्स का यूज़ आप अपनी वीडियो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कर सकते हो। सो यहाँ अपनी पूरी वीडियो एडिट हो चुकी है। ओके सो गाइस, इस तरह आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो। सो गाइस, आज वीडियो में बस इतना ही। सो मिलता हूँ आपको एक और वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।